लेकिन फिर तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मार देंगे ऐसा, दिमाग मत खराब करो। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर 1 बजे से हो रही है और मैं जा रही हूँ फाइनली दिल्ली। और पता है कल मैं शिवम के साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा टिकट एक्चुअल में आज का मुझे कराना था, इसलिए मैंने कल इग्नोर कर दिया। तो सारी बातों को साइड करते हुए बता दूं कि मैं किसी काम से ही दिल्ली जा रही हूं, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं जा रही हूं। मुझे पटना में भी काम है, रात के 8 बजे मेरी फ़्लाइट है, लेकिन मैं अभी इसलिए निकल रही हूं क्योंकि मुझे पटना में एक शूट करना है, उसके बाद वहां से जाना है दिल्ली, दिल्ली में भी एक शूट करना है मुझे। तो मैं काम से ही जा रही हूँ दिल्ली। तो अभी मैं आज जा रही हूँ, कल रहूँगी, परसों वापस आ जाऊँगी। और परसों जल्दी क्यों, 2 दिन बाद आओ, शिवम आएगा ना, क्योंकि बार बार थोड़ी गाड़ी जाएगा एयरपोर्ट पे। और पता है मुझे लेके कौन जाएगा? मंगल, मतलब इसका हाथ का ना, इसने अपना वो हटा के भी वो कर दिया, निकाल दिया। कल दीदी को छोड़ने गया उनके ससुराल और वहाँ छोड़ के आया और उसके बाद उसने अपना पट्टी निकाल दिया। कह रहा है कि मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, तुम लोग को छोड़ दूंगा एयरपोर्ट, उसके बाद मैं पट्टी लगवा लूंगा। मतलब देख रहे हो, उसने टूटे हुए हाथ को मजाक बना दिया है। इस लड़की को देखो कितना ज़्यादा पॉपकॉर्न बना के, ओए होए, डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही है ये, बहुत बढ़िया। हाँ चले भाई, इस लड़की की वजह से चलो एक मिनी व्लॉग बनाना है। दिखाओ दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ, दिखाओ तुम, देखो इसका हाथ, देखो छुना नहीं, देखो एक चीज दिखाओ, लेकिन फिर तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। हाँ बताओ, दिखा क्या? हे भगवान, पूजा दिखा, तुम क्या हुआ? अलाइनमेंट खराब हो गया हाथ का, क्या हुआ रे? फोल हो रहा है कि नहीं? फोल हो रहा है, फोल दिखाओ तो, मंगल करके दिखाओ तो, सब हो रहा है, दर्द हो रहा है ऐसे करने पे। तो सर पागल पुगल हो क्या, काहे निकाल दी हो पट्टी? अरे तो वो इतना पगला दिया था हमको कल, हम कहा करते फ्रस्ट्रेशन चट्टा तेरा, हम इंश्योरेंस करा के रखे हैं इसी दिन के लिए। कौन से दिन के लिए रखा है? मैंने ड्राइवर को बुलाया था, ड्राइवर ने धोखा दे दिया, तब मैं मंगल को लेके जा रही हूँ, वो भी मंगल का दोस्त चलाएगा गाड़ी, मंगल नहीं चलाएगा। पूजा सुनो ना, पटना चलो तुम भी, इसका पट्टी करवा देना। बात कर ली, हम कल जाएंगे, कल तो फिर परसों, अच्छा कल जाएंगे वो स्पेशली कराने। आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, तुम भी करवाना और मम्मी को हम लेके जाएंगे, फुल चेकअप करवाएंगे वेदांता में। चलो चलो ठीक है। अरे थम जा, वेदांता नहीं जाएंगे यार, आए बेचारा खा रहा था। अरे वेदांता नहीं जाएंगे, उसके पास जाएंगे, जाके बस स्टिक लगवाना है वो, ये दोनों फिंगर में देख, मैं बता रहा हूँ इमेज में देखा है, ये वाला जो था ना, ये वाला देख, ये जो था पहले ये पूरा खत्म है, ठीक है। ये जो था यहाँ पे जो 1, 2, 3 लाइन था, इस साइड वाला जो लाइन था ना, और उसके बाद वाला जो लाइन था वो रह रहा है, और ये वाला जो था ये भी जुड़ गया है, और ये लंबा जो क्रेक यहाँ तक था ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब ठीक हो गया, खराब हो गया नहीं, मतलब भर गया है वो, भर गया, भर गया। मंगल चलो निकलते अब, चलो चलो। मतलब 3 दिन में चूना इतना ज्यादा असर कर दिया तुम पे, पागल हो क्या? सुबह दोपहर एक, पता है ये हर एक घंटे हमको बनाना खिला रही थी चूना, रगड़ के क्यों बता रहा? बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, मेरे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। राधे राधे। लोगों को इसी टाइम पे पता नहीं क्यों काम याद आ जाता है। चलो ना मंगल जल्दी, बंद करना तू, चल यार। मैंने बताया था जैसे कि पटना में भी मेरा शूट है, 3 बजे का शूट है, जल्दी चलो यार मेरा। ये लोग समझते ही नहीं है कि बंदा, ओए बारिश जैसा मौसम कर रहा है यार, बारिश अगर आएगा तो फिर तो बढ़िया है ना। ये हर बार जाने से पहले काला टीका लगाता है, और पता चलता है कि हेडफोन वेडफोन सब में काला टीका लग गया मेरा। चलो सामान छूट जाता है इसका काला टीका लगाने की वजह से। चलो 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 चलो, एक मिनट बैठ जाते हैं। हाय हाय बाय पूजा। अरे वो अपना व्लॉग बनाने में अलग मगन है भाई, पता नहीं कौन इसको नशा पकड़ा दिया है व्लॉग बनाने का। वो भी हाँ, और पता है हम लोगों से कुछ भी बोलवा के डाल देती है, हम लोग कुछ ही बोलते हैं ना, मतलब उल्टा पुल्टा, तो सब डाल देती है। बताओ जरा यहाँ अंग्रेजी क्या बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी दवाई लोगों को हजम नहीं होता, इसका ब्लॉग कैसे लोगों को हजम होता है पता नहीं, भी पता है वो लोग देख के इरिटेट हो गए। बाय 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 बाय, हम बहुत खुश हुए, बाय बाय, कोई नहीं अकेले में।
जाओ जाओ मेरे बच्चों का ध्यान रखना, पूजा मत करो, दो लोग हैं अभी, बच्चों से बाहर निकालेंगे अभी देखो। बच्चों का ना जी का भी खाने पीने का सोने का, अरे यार कोई बात नहीं, खाना तो हम वहीं से खिलाते रहेंगे, सुला दिया करना तुम। इसलिए एक बार गए थे हम 4 दिन के लिए तो सुलाई और 3 दिन बाद उनको उठाई थी, ये ऐसी गंदी लड़की है। चलो बाय 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 बाय। चलो मैं मंगल को भी अभी बाय बोलने वाली थी। क्यों मुझे क्यों बोलेगी भाई? पता नहीं, वाह यार मौसम बहुत ही ज्यादा। एक टेंशन है गिन्नी तुम्हारे लिए। क्या तेल? हाँ अभी क्यों बनाएंगे, तुम बोले हो ना कि 7,000 बिल निकला है वो देना है मुझे। वो 7,000 में से 2,000 तुमको देना है, 4,000 4,500 पूजा देंगी। 4,500 पूजा देंगी तो तुम पे उधारी है मेरा 5,000, भूल क्यों रहे हो बेटा? कौन सा 5,000 है? याद कर जब जब मेरा स्टूडियो का काम हो रहा था तो तुझे 1,800 कहीं पेमेंट किया था। हाँ। फिर बीकानेर में थी तो मैंने 1,800 पे नहीं, उस टाइम 2,200 किया था जब उसका काम हो रहा था। तो फिर बीकानेर में थी तो काम हो रहा एक मिनट स्टूडियो का, जल्दी चलो अभी, चलिए आ गया अभी, चलो चलो आगे बताती हूँ मैं। हाँ लगा दिया भाई, ये देखो असली चाय लवर है ये, चाय अपना मतलब गाड़ी में लेके चलता है ये लड़का। मेरा बॉटल कहाँ गया, ब्लैक बॉटल तो लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है करवाएंगे। ओए भाई ये क्या हो गया, देखते ही देखते देखो बारिश आ गया, इतना ज्यादा अच्छा मौसम कर गया ना, मजा आ गया। लेकिन यार अभी मुझे शूटिंग करना है, अभी क्यों ही बारिश हुआ यार। जो स्टाइल मार रहे हो ना, हैं? नया नया ब्लॉगर बना है, चुप रहो। नया नया ब्लॉगर बना है ये लड़का, ऐसे बाप रे, कैसे आदमी हो यार तुम। दी भगवान ये देखो सब हमको दे दिया साफ करने के लिए। हाँ ये रहा पैसा ढूंढ रही थी ना। कितना पैसा है? 200 का नोट है भाई, रख ले कोई बात नहीं। अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, और है 250 तो हो जाएगा। रहन दे भाई, ये बाबू तुम ही रखो इसको, ठीक है? ये जो तुम दे रहे हो ना एकदम बंडल गट्टी दे रहा है ये। हाँ मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ है, देखो इधर बारिश नहीं हो रहा है, अभी पीछे बारिश हो रहा था, इधर बारिश ही नहीं हो रहा। ये मंदिर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पटना पहुंच चुके हैं। जय हो जय हो। जो ब्रांड का मुझे प्रमोशन करना था भाई मैंने कर दिया, ये देख लो मेरा हाथ लाल पीला नीला हरा ब्लू सब हो गया है, क्या कर लिया मैंने। मंगल देखो, मंगल गए नहीं थे मेरे साथ और आज इसका ना खोपड़ी थोड़ा सा हिल गया था, पता है ये शूटिंग करते करते लड़ जा रहा था किसी में भी। कौन ये? जा जी एक्साइटमेंट में ना ये देख लिया वो कर रहा होगा। बाप रे मत पूछो, इसने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया है फिर मैंने। अरे ये पहला बार तुम लेके निकली हो ना, मेरे साथ कोई लड़ जाता है ना ये, ऐसे बोलता है हटा ही बे हटा, ऐसे ऐसे करके चलता है ये। अरे रे ठीक है, एकदम एकदम रोला में, एकदम रूड बिहेवियर में। हाँ। देखो भाई बर्गर आ गया खाने को, इसमें क्या है मतलब समझ में ही नहीं आ रहा यार कि क्या क्या लाया है भाई, ये क्या क्या मंगवा चुका है यार। ये मेरा हाथ ना इतना वो अजीब हो गया, मतलब अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा, इसमें तो कुछ तो है भाई। ये देखो भाई साहब अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया इस बंदे ने। अरे बाप रे अभी खा रही थी और आए तो नहीं, हम फ्रेंच फ्राई खाए हैं भाई, लो उसको भी दे दिए, तुमको भी दे दिए, लो खाओ 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 ना। अलग अलग का सब पूजा के लिए, पूजा वाला माल मत छेड़ देना, एक पैकेट में पूजा के लिए वाला लगता। नहीं है नहीं है, एक ही पैकेट है यार। यार देखो ना एक में होगा वो। हाँ नहीं है, एक ही पैकेट है। हाँ अरे कैसा टेस्ट गिननी, ताजा ताजा है ना। एक बात और है, अभी अभी चिल्लाना मत एसी ऑन करने के लिए, क्योंकि अभी आधा घंटा तक कुछ गाड़ी में एसी ऑन नहीं होगा, अभी काम लग रहा है उसमें आधा घंटा तक, जब तक बल्ब चेंज नहीं होगा चारों नहीं कर सकते कुछ ऑन, बेचारे को गर्मी लगेगा ना मिस्त्री को। बाप रे बाप हम पागल हो जाएंगे यार। क्या खा लें दो, खा लें दो। कोल्ड ड्रिंक मंगवाए तुम्हारे लिए। हमको पता था कि तुम मेरे पे ब्लेम तो बोगे, मेरे लिए है पक्का। सही में भाई तुम्हारे लिए है। थैंक यू थैंक यू। अभी भी ना एयरपोर्ट पे जाने में कम से कम 1 घंटा है, क्योंकि अभी 5 बज रहा है भाई। मैंने खुद को फंसा दिया। ये देख लो यार, मतलब इसमें ना स्ट्रॉ नहीं दिया था उन लोगों ने, तो मंगल जाके बाहर से लस्सी लेके आया सिर्फ स्ट्रॉ के लिए। गजब इंसान है यार ये दानी महाराज। ये देना क्या हुआ, आप लेडीज पे क्या करें, लड़का लड़का होता तो कुछ अलग बात होती। हाय रे हाय बेचारे,
लड़के आखिर जाए तो जाएगा। अरे देखो यार बूढ़ी है। जी हम पहुंच गए एयरपोर्ट। भाई साहब मुझे ना देखो यार स्किन प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो गया है, बहुत इरिटेशन सा हो रहा है। चलो भाई तुम मत वीडियो बनाओ ज्यादा। तो अभी मैं उतरूंगी क्योंकि एयरपोर्ट हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सामने है एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट टूट रहा है, नया एयरपोर्ट बनेगा। तो अभी मैं ना सामान वगैरह लेके जाऊंगी अंदर और आराम से चेक इन कराने के बाद मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी। बटल बटल जल्दी से भाई बाय। ठीक से जाना गाड़ी, ठीक से चलाना। हाँ हाँ जाएंगे, अच्छे जाएंगे। पूरा का पूरा सूटकेस खोलना पड़ा, फाइनली चेक इन कर लिया मैंने। बहुत तेज नींद आ रही है यार मुझे। मैंने अपने नींद को कंट्रोल करने के लिए च्युइंग गम लिया है। ये इसमें कुछ 10 पीसेस होते हैं और 190 रुपीस के है ये। फाइनली बाहर आ गई मैं, मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। बताओ ज़रा 15 मिनट लेट हो गई, वो भी मंगल की तरह बिल्कुल। यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर मैं पिछले 15 मिनट से बैठी हूँ, मेरी दोस्त अब तक नहीं आई, आएगी तो आती ही वो मुझसे मार खाएगी। पूरा इस लड़की ने मुझे एक घंटा वेट कराया, एक घंटा भाई साहब। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके रूम पर जा रहे हैं और जाते जाते पता नहीं मेरा क्या हाल होगा यार, इसके रूम पे तो एसी भी नहीं है। आते आते मुझे थप्पड़ मारी है लड़की। नहीं नहीं ऐसा भाई, पानी पीने का मन कर रहा है, ले लेते ना आगे से। आगे से लेंगे पानी, बहुत प्यास लग रही है। तो अभी ना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इसके रूम पे पहुंचने के बाद से। भाई साहब अभी जाके पहुँचे हैं हम, इसके घर में अंधेरा अंधेरा है। चल 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 भाई अंदर चल, नींद आ रहा है मुझे। अभी देख लो टाइम, देख लो भाई 12 बज गया है, 12 से भी ज़्यादा हो गया। प्लीज चलते हुए युद्ध को बंद कर दो यार, एकदम जिंदगी हराम कर दिया इसने। भाई साहब तो अभी मैं सो के उठी हूँ, इतना मतलब मैं क्या बताऊं यार, रात के हम बात करते करते करने के बाद भी हम 3 बजे सोई हूँ मैं, तो अभी नींद खुला है। अभी मैं जाऊंगी काम से बाहर, जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ। और सबसे पहले ये लड़के मुझे कुछ बना के खिलाएगी, आलू प्याज के पराठे। तू बनाएगी ना पक्का? अगर नहीं बनाया तो भी ब्लॉग में डाल दूंगी कैसे बनवाया। और धनिया की चटनी, हाय 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 हाय, आम का अचार। आम का अचार भी इस लड़की ने खुद ही बनाया, वो आम का कूचा है। अच्छा अच्छा कूचा, तो भी मैं जा रही हूँ मुँह धोने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद चाय पीऊंगी और ये ब्रेड मंगवा लिया यार, यहाँ पे सब कुछ पता है क्या? एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे कि ब्लिंकिट से ना कुछ भी आ जाता है, मतलब पहले से ही मुझे पता है कि हाँ आ जाता है। लेकिन यार काश ये मतलब फैसिलिटी जो है वो हमारे घर पे भी होता, मजा आ जाता। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी थोड़ी देर में मैं बाहर जाऊंगी, तो अभी मैं जा रही हूँ, ये नहीं जा रही है। और ये देखो भाई, इसने बैग वैग एकदम करके दिया है कि कोई सामान छोड़ मत देना। कब से मुझे बोल रही है फोन। हाँ मेरा बॉटल दे दो, बॉटल में भाई ठंडा पानी रख दिया है इसने। तो अभी मैं जाती हूँ फटाक से, जो मेरा काम है मतलब जो वीडियो करके आना है वो करने। चेन लगा देंगे, चल OTP बता देना, नीचे चल रही है नहीं चल रही है? नहीं जा रही। OTP क्या है? कैब का, कैब का कॉल कर। ठीक है चल भाई, जल्दी आती हूँ भाई, बहुत गर्मी है। अच्छे से जाइयो, अच्छे से भाई, अच्छे से जाऊँगी, अच्छे से। ये क्या है नीचे? चल ठीक है, यह ठीक है, ठीक है।
भैया 4660। भाई गर्मी इतनी ज्यादा है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे ई रिक्शा लेना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा पागल हो गई हूँ यार, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। देख लो मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरा जो भी मीटिंग था वो हो गया। अभी मेरे हाथ में है ये बाबा शाम का फोटो जो कि ये लेके आए हैं बड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बहुत ज्यादा लोगों ने विकास भैया को मिस किया मेरे व्लॉग में। आप नहीं आ रहे थे तो पता है कितने लोग अनसब्सक्राइब करके भाग गए। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं दीदी, ये तो सब आपका आशीर्वाद है। अरे रे, मेरा आशीर्वाद है। तो भैया आए थे क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं अकेली थी, तो मैंने बोला भैया को कि भैया आप आ जाओ। भैया आए साथ, ये ले आए, ये जब जयपुर गए थे तो लेके आए थे। उदयपुर। ये बाबा शाम की फोटो है जो कि मैं स्टूडियो में लगाने वाली हूँ। इतने टाइम के बाद मैं यहाँ पे सीपी आई हूँ भाई, बहुत सारी पुरानी बात याद आ गई मुझे। मैं बहुत ज्यादा ही थक गई थी आने के बाद, सो गई। और इसने क्या खाना बनाया था यार, बहुत टेस्टी था। गाल पे दे रही थी। ठीक है, अरे ठंडा हाथ है तेरा। तो आने के बाद मैं नहाई, शावर लिया मैंने, और अब मैं वापस से सोने जा रही हूँ। कल की मेरी फ्लाइट है, ये लड़की मुझे मिस ऐसा लगता है कि नहीं करेगी। करेगी, करेगी। देखते हैं कल रोती है कि नहीं एयरपोर्ट पे। नहीं नहीं भाई, बाहर का तापमान बहुत ही ज्यादा गंदा घटिया वाहियात है, जान निकल गया था मेरा लिटरली। जब मैं वो ई रिक्शा पे बैठी थी ना, मैं अपने आप को गाली दे रही थी कि मैं क्यों आई। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इस लड़की के हाथ का खाना खा के तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था। बिल्कुल डन डन डन। तो इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।